तो ये है, पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि समाज में अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की सेवा करना है, पर उनसे यह नहीं हो पाया क्योंकि वो राज परिवार से थे। हमारे साथ है आनंद शुक्ला जी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी है। आपने राजनीति शुरुआत से ही बीजेपी भाजपा को चुना था? हाँ, 18 वर्ष की उम्र में स्वर्गीय श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने जो सदस्यता दिलाई थी भाजपा की, तब से अभी तक 45 वर्ष का हो गया हूँ भाजपा में ही रहकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही आपने क्यों चुनी, इसके पीछे भी कोई कारण है? भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि हमारे बाबा जी थे और उनकी प्रेरणा को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुए। इस बार अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं और प्रत्याशी हैं दिव्यराज सिंह जी, इनका जिस तरह से क्षेत्र में विरोध चल रहा है, आपके ही संगठन ने, आप लोगों ने ही इनका बहुत बड़ा विरोध किया, यहाँ 56 दिन का अनशन चला था, क्या आप इनके साथ आएंगे इस चुनाव में? पार्टी का आदेश है तो वो तो सिरोधार करना पड़ेगा, पर वो एक जनमानस का उबाल था, ना कि हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध था, ना हमसे हमारा उनका कोई व्यक्तिगत विरोध है। एक सार्वजनिक विरोध था कि विकास की कई कोसों दूर ये तराई अंचल और खासकर उसमें डभौरा, जो कि चुनाव में एक केंद्रबिंदु बनाता है, किसी भी दल का हो वो केंद्रबिंदु बनता है, मार्केट है और यहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी बैंक, थाना, सारी सरकारी संस्थान, बड़े पोस्ट ऑफिस सब कुछ यहाँ थे, रेलवे स्टेशन था, उसके बावजूद भी माननीय विधायक की चंद लोगों के कहने पर कॉलेज को जंगल में ले जाकर स्थापित कर दिए और उन्होंने यह निर्णय लेते समय डभौरा मंडल के कार्यकर्ताओं से थोड़ा भी राय मशविरा करना उचित नहीं समझा, जो कि वो विरोध के रूप में परिणित हुआ। पर अब पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपना काम करेंगे। जनता कहाँ तक उनको पसंद करती है ये अब जनता के ऊपर है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता अपना मत अपने हिसाब से देती है, हम चाहे जितना कोशिश करें, हम कोशिश करेंगे, पर जो जनमानस का उबाल है वो बड़ा मुश्किल भरा दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार भी प्रदीप सिंह पटना को टिकट मिलते मिलते रह गई, इस बार भी प्रदीप सिंह पटना प्रज्ञा त्रिपाठी का नाम चल रहा था। हमारी प्रज्ञा दीदी ने कल मध्य प्रदेश महिला मोर्चा के अपने बहुत सम्मानित पद से इस्तीफा भी दे दिया है, तो कहा जा रहा है कि प्रदीप सिंह भी इस्तीफा देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से और वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं। हाँ, कल डभौरा आए थे, कार्यकर्ताओं को बुला के उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में हूँ, अभी तक मैं भाजपा में हूँ, इसीलिए कार्यकर्ता उनके पास गए थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, दो बार 10 वर्षों से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ तक उचित है कार्यकर्ता बताएं। तो कार्यकर्ता कुछ जो मूल रूप से उनको समर्पित थे, उन्होंने कहा प्रदीप सिंह चुनाव लड़िए, जो भी होगा देखा जाएगा, और कुछ साइलेंट मोड में रहे, शांत बैठे रहे, पर विरोध देखकर, कल का जुलूस देखकर यह लग रहा है कि प्रदीप सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हो सकता है। अगर प्रदीप सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनके जितने भी समर्थक हैं, कितने कहे जाए, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या प्रदीप सिंह के साथ जाएंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। कल जो लोग जुलूस में थे उसमें चिन्हित